हमें बहुत जरूरत है, हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी प्रशासन रिहा करे। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं पब्लिक के बीच में, जनता से जानते हैं जनता का क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा। पेशेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिनसा के लिए। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? कमला इंसा। कमला जी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा? मुझे मैंने 1993 में नाम लिया था और सारे परिवार ने मेरे नाम लिया। जब से मैंने नाम लिया था, मेरा घर तो एक नरक के समान था। मेरे पति ड्रिंक करते थे और घर में बहुत कलेश करते थे। जब हमने नाम लिया तो पिताजी ने हमें इतनी खुशियाँ दी और हमें विश्वास नहीं था अपने पति पे भी, हमें अपने बच्चों पे भी विश्वास नहीं था। हमें अपने गुरुजी पे इतना विश्वास है, हम यहाँ अपनी लड़कियों को भेजते हैं डेरे में, इतनी सुरक्षित हैं कि मैं अपने घर में भी अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं समझती, इतना सुरक्षित। और पिताजी ने तो इतने अच्छे काम किए, किन्नर समाज का सुधार किया, वैश्यवृत्ति छोड़ के उनको अपनी बेटी बनाया, उनका इलाज कराया और अपनी बेटी बना के शादी की। और जैसे दहेज दिया जा सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया और बहुत सारे काम किए, जवाब पे आते भी नहीं। इतने विश्व में इतने सुधार किए, गुरुजी की हमें बहुत ज़रूरत है। जो ये समाज में बीमारियां चल रही, विदेशों में झगड़े चल रहे और घरों में कलेश चल रहे, अगर गुरुजी होते तो शायद ये ना होता। और अब भी वहाँ रहते हुए भी हमें प्रेरणा देते हैं कि बेटा सुमरन करो और भलाई करो, और किसी भी बुरी चीज़, कोई बुराई कर रहा तो छोड़ो, उसका रास्ता लग उसके उसी के हाल पर छोड़ दो। हमारे पास शब्द नहीं कि उन्होंने हमें क्या दिया। जिसने भी सच्चे सौदे से नाम लिया, वो कभी गरीब जिसके घर में दो टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, आज उनके घर में संपन्नता है, परिवार पूरा है, घर है, एक एक मंजिल के मकान, दो दो मंजिल के मकान। मेरे घर में खुद साइकिल थी और अब तीन तीन मोटरसाइकिल, तीन गाड़ियाँ और मकान भी तीन चार प्लॉट, और वही कमाई थी जब, वही है अब, कोई कमी नहीं छोड़ी मालिक ने। क्या मांग करोगे सरकार? बस सरकार से ये मांग करेंगे कि एक निर्दोष को तुमने एक चिट्ठी के कारण जेल भेज दिया और दुनिया में दो दो साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहा, जवान लड़की कहीं सुरक्षित नहीं है, और हमारे गुरुजी को आपने चिट्ठी पे वहाँ पे भेज दिया। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा शांति रखना और प्रशासन का ध्यान अदब करना और उनके उसमें रहना। हमारे पास तो, हम तो इतने दुखी हैं अपने गुरुजी के बिना कि जैसे बाप के बिना बेटी अधूरी रहे। वहाँ इतना तो मरने के बाद भी दुख नहीं होता जितना हमारा गुरुजी के बिना, हमारा टाइम नहीं कटता उनके बिना। आप कितना प्रेम करते हो? मैं तो दुनिया में सूरज चांद सितारे भी नहीं हैं उनके बराबर मेरे लिए, तो जो मैं अपने पिताजी, जो मुझे, मैं उनका बखान ही नहीं कर सकती। इतना पिताजी ने दिया, इतना सम्मान दिया, मैं कुछ भी नहीं थी, और आज मेरे घर परिवार में समाज में इतनी इज्जत है। बहुत हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी प्रशासन रिहा करे। अब बिना कसूर ही उन्होंने इतना, इस सरकार ने इतना बुरा किया हमारे गुरुजी पे। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार फैला रहे, वैश्यवृत्ति कर रहे और मॉल में जाते हैं, इतने गंदे गंदे दुनिया में काम हो रहे हैं। अरे हमारे गुरुजी को बेकसूरी भेज दिया, क्या दुनिया समझती नहीं? दुनिया समझती नहीं कैसे अच्छे इंसान को तुमने वहाँ भेज रखा, जो समाज का इतना उद्धार करते, इतना सुधार किया हर समाज का, गरीब लड़कियों की शादी करवाई, वैश्यवृत्ति छुड़वा के उनकी शादी करवाई, भक्त योद्धा जो लड़कियां अच्छे घरों की हैं और वैश्या भी थी, उनको एक अलग शुभ देवी का नाम दिया। शुभ देवी का नाम देकर भक्त योद्धा जो अच्छे अच्छे घरों के, कोई प्रधान के घर से, कोई डॉक्टर के घर से, उन लड़कों ने उन लड़कियों से शादी की। इतना कोई कर सकता है समाज में? कभी नहीं कर सकता कोई। हमें विश्वास ही नहीं है कि हमारे पिताजी, हमें बहुत ज़रूरत है। हम तो ये सोच रहे कि हम कभी ये प्राण ना निकल जाए उनके देखे बिना।
जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जनता अपना दर्द आप लोगों के सामने रख रही है। इनकी मांग है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा जल्द से जल्द परमानेंट समाज में आए। इनका कहना है जो भी बातें फैलाई गई तमाम झूठ फैलाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संत समाज हित के लिए सोचता है उसी को समाज से दूर किया गया है। जो लोग नहीं चाहते समाज से बुराइयां दूर हों, समाज से नशा ख़त्म हो, उसी संत वो उन्होंने ही संत जी के ऊपर ऐसी बातें उठाई हैं। जनता का मानना है, इनका कहना है कि संत जी ही हैं जिन्होंने वैश्य तक को बेटी बनाया, उनको भी समाज में एक दर्जा दिया, उनका सुधार किया। आप भी देखते रहिए जनता की डायरेक्ट बातचीत द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.